हेलो किड्स वेलकम टू स्टूडेंट जोन फॉर बेस्ट लर्निंग दिस इज फिफ्थ टॉपिक ऑफ़ द चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच इंक्लूडेड इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास नाइन्थ द ऑब्लिशन ऑफ स्लेवरी मीन्स दास प्रथा का उन्मूलन वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जेकोबिन रिजिम वॉज द ऑब्ल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज फ्रेंच कॉलोनीज में जो रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स था जो जोकोबिनिज्म का उसमें एक था स्लेवरी ऑफ अवलेशन ऑफ़ स्लेवरी कहने का मतलब कि जो आ, कई आ, क्रांतिकारी सामाजिक न, सुधार हो रहे थे जोकोबिन राज्य में उसमें से एक ये भी था जो कि फ्रेंच कॉलोनी में इंक्लूड था वो था दास प्रथा का उन्मूलन द कॉलोनीज इन दैरबिन मैटिनिक ग्वाडोलोब एंड सन डमगो वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको इंडिगो सुगर एंड कॉफी कहने का मतलब कैरिबियाई जो कॉलोनीज थी जैसे मार्टिनिक गैडलोब डोमिंगो तम्बाकू नील चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के एक इम्पोर्टेंट सप्लायर थे ये सब बट द रिल्स ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफेमलियर लैंड मिनट टे शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन लेकिन जो यूरोपियंस की जो एक तरीके से इच्छा नहीं थी जाना और काम करना दूर या अपरिचित इलाक़ों में उसका मतलब ये था कि वहाँ प्लांटेशन में शॉर्टेज थी किसकी लेबर की सो so, दिस वॉज मेड बाई द ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप अफ्रीका एंड द अमेरिका इसलिए एक तरीके से ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ यूरोप अफ्रीका और अमेरिका के बीच द स्लेव ट्रेड बिगन इन द सेवनटीन सेंचुरी फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्राम पोर्ट्स ऑफ बर्डक्स एंड नानतेज टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बर्ट स्लेव फ्राम लोकल चिफन चिफ्ट स्लेव ट्रेड वो की शुरुआत सेवनटीन सेंचुरी में हुई फ्रेंच मर्चेंट्स वो जो है क्या करते थे फ्रेंच के जो व्यापारी थे वो बर्डक्स आर नान्ते के पोर्ट से अफ्रीकन कोस्ट तक क्या करते थे आ, जाते थे और एक तरीके से वहाँ से जो लोकल चिफ्टेंस या सरदार हुआ करते थे उनसे दास खरीदते थे ब्रांडेड एंड सेकेंड द slaves were packed tightly into sea for the three months long लॉन्ग across the Atlantic to Caribbean. एक तरीके से उनपे अपना निशान बनाते थे जला के या चाहे जैसे एक ब्रांड जिसको एक तरीके से वो लोग पहचानते थे तो वैसा निशान बनाते थे और फिर उनको हथकड़िया पहना के अटलान्टिक महासागर के पार कैरबियाई देशों तक तीन महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में डाल देते थे टाइटली पैक कर देते थे दे देर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर वहाँ पे उनको प्लांटेशन ओनर को बेच दिया जाता था द एक्सप्लाइटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर सुगर कॉफ़ी एंड इंडिगो इस uh, ये जो एक्सप्लाइटेशन था स्लेव लेबर का स्लेव लेबर का जो सोसर था इसी की वजह से पॉसिबल हो, हो पाया कि यूरोपियन मार्केट्स में जो डिमांड थी शुगर कॉफी और इंडिगो की वो पूरी हो पाई किसकी वजह से जो स्लेव लेबर का एक्सप्लाइटेशन होता था पोर्ट सिटीज लाइक बर्डक्स एंड नांतेस ओ डेयर इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी टू तो फ्लोरिसिंग स्लेव ट्रेड बोर्डे और नानते जैसे जो एक तरीके से बंदरगाह थे वो फल फ्लोरिसिंग दास व्यापार के कारण ही समृद्ध हो पाए एक तरीके से प्रॉपरस हो पाए थ्रू आउट द एटीन सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस अठारहवीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़ नेशनल असेंबली में डिबेट हुआ किसके बारे में आदमियों के अधिकारों के बारे में कि उसको क्या करना चाहिए मूलभूत अधिकारों को जो कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग हैं उनके सहित समस्त जो फ्रांसीसी पीपल हैं उनको भी दे दिया जाए बट इट डिड नॉट पास एनी लाज फरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन हूज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड लेकिन ये कानून पास नहीं हुआ क्योंकि अपोजिशन का एक तरीके से डर था कि बिजनेस मैन जो हैं वो उनकी इनकम किसपे डिपेंड रहती थी स्लेव ट्रेड पे इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन सेवेंटीन नाइन्टी फोर लेजिस टू फ्री आल स्लेव इन फ्रेंच ओवरसीज पोसेशन कहने का मतलब कि लेकिन बाद में 1794 फोर के कन्वेंशन ने जो फ्रांसीसी कॉलोनीज थी में सभी दासों की मुक्ति का एक कानून बना दिया दिस हाउर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर टेन ईयर्स लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी लेकिन दस इसकी ये कानून की जो अवधि थी वो बहुत ही छोटी थी क्योंकि दस साल के बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी सिस्टम लागू कर दिया प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज़ इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज़ इन परस्यूट्स ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेकिन बागान मालिकों जो प्लांटेशन ओनर थे उन्होंने अपने आ, मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए अफ्रीकी निग्रो के लोगों को गुलाम बनाने की उनकी स्वतंत्रता उनको पूर्ण तरह पूरी तरह मिल गई स्लेवरी वॉज फाइनली अबलाइज्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन एटीन फोर्टी एट लेकिन ये जो स्लेवरी थी दास प्रथा थी वो कब खत्म हुई अठारह सौ अड़तालीस में दिस इज योर फाइव पॉइंट द ऑबल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर सो इफ यू कम्फर्ट टू लर्न Please like, share and comment. Thank you.